इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत सावंत बने हुए हैं आज हमारे एक्सपर्ट। प्रशांत, वेलकम टू एफएनओ जंक्शन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल, बहुत ही इमिनेंट सवाल है, आप भी जानते होंगे कि इस वक्त बाजार की जो सेलिंग है, लेकिन रिकवर जरूर हुए मार्केट्स, लेकिन आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या देख रहे हैं? आप निफ्टी 200 डीएमए के नीचे जाना निफ्टी का, कितनी बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। ये एक्सपेक्टेड मूव थी, जैसे कि मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि इंडेक्स में आप लॉन्ग मत रखिए, जब भी आप लॉन्ग रखो स्ट्रिक्टली 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से इंट्राडे ट्रेड करो, ओवरनाइट पोजीशंस मत रखिए, क्योंकि ये एक इंडिया वीक्स तभी 20-21 के रेंज में था, जो कि एक हमेशा खतरे की वार्निंग होती है। आज वो ऑलरेडी 27 हो चुका है, जब इंडिया वीक्स 25-27 के रेंज में आए तब मूव्स और बड़े और वोलेटाइल होते हैं। तो ऐसे टाइम जो ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड, उनको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ही बेहतर होता है। ऐसे ही वक्त जो एक लॉन्ग टर्म निवेशक होते हैं, इनको कई स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे मिलते हैं, तो एक मिक्स एंड मैच होता है। इसलिए ट्रेडर के टाइप्स क्या है या इन्वेस्टर के टाइप्स क्या है, ये बहुत जरूरी होता है। तो अब मैं कहूंगा कि 16,850 ये एक अहम लेवल है, ये सभी को पता है। तो मेरी ये राय है कि एक बार हम एक लेवल, इस लेवल को डेफिनेटली ब्रेक कर देंगे, यानी करीबन हम 16,750 के आसपास अगले एक से दो दिनों में आ सकते हैं, और वहां से जब एक पुलबैक आएगा तब मैं उस पे रिकवरी, उस रिकवरी को ट्रस्ट करूंगा। इसकी वजह यह है कि जब एक लेवल पिन पॉइंट चलता है चार बार, तब डेफिनेटली वहां पे वीक बाइंग होती है, जैसे कि आज हुई है 16,850 से कम ये चौथी बार मार्केट घुमा है। तो चौथी बार जब मार्केट एक ही लेवल तो उसको ट्रस्ट करना ज्यादा वर्थ नहीं होगा, थोड़ा कॉशियस रहिए मार्केट में लॉन्ग। चलिए ठीक है प्रशांत, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आपके पास फिर से वापस लौटते हैं। चलिए एक बार मार्केट्स पर फिर से लौटे प्रशांत की वो बात हम सुन रहे थे। प्रशांत, आप बोल रहे थे कि 16,700 यहां तक बाजार देखेगा, तो ऐसे में क्या आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं, आपकी क्या होंगी कॉल्स? इनका एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि हमें शॉर्ट करने के लिए लॉन्ग करने के लिए सबसे अहम होगा कि रिस्क रिवॉर्ड कितना है। तो मैं जब उस चीज से देखूं तो मुझे एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है शॉर्ट करने के लिए, वो होगा जो कि पिछले 1-1.5 साल से अंडर परफॉर्मर रहा है, HDFC लिमिटेड। और मैं HDFC लिमिटेड जो करंट लेवल्स पे चल रहा है, मैं इसको शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा जो होगा करीबन 2435 का, यानी इसके ऊपर मुझे स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो करीबन 2320 से लेके 2300 के रेंज तक का देख रहा हूँ। ये निफ्टी का एक अहम कॉन्ट्रीब्यूटर है और यही एक स्टॉक मुझे लग रहा है कि निफ्टी को थोड़ा और नीचे ला सकता है, तो मैं इसके साथ शॉर्ट जाना चाहूंगा। और इस मार्केट में फिलहाल मैं लॉन्ग कोई रखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो पोजीशन होगी डेफिनेटली हम ओवरनाइट कैरी करेंगे, तो मैं सिर्फ HDFC लिमिटेड के साथ शॉर्ट पोजीशन रखना चाहूंगा। ऑलराइट प्रशांत, बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, बाजार अगर प्लस मूड में है तो उन स्टॉक्स को प्लस कर दो जाए, FIs की पोजीशन है और सबसे पहले गिरने वाले स्टॉक्स भी यही होते हैं। एनीहाउ, HDFC लिमिटेड आपको लग रहा है यहाँ से शॉर्ट करने का मौका बनेगा, लेवल्स नोट करें प्रशांत के। प्रशांत, लेकिन ऐसे में अगर तेजी करने वाले, तेजी के स्टॉक्स ढूंढ रहे हो तो इन्फो एज, नैल्को, यहाँ कुछ तेजी लगती है? जी प्रियंका, मैं जब देखता हूँ तो जो भी स्टॉक्स बाउंस दे रहे वो सारे ही एक जिसे हम डेड कैट बाउंस कहते हैं उस रेंज में होगा। और जब मैं इन दोनों स्टॉक्स को देखता हूं, अगर मैं इन्फो एज की बात करूं तो मुझे इस स्टॉक के लिए अहम होगा कि मैं कह सकता हूं कि एक बेस बन चुका है, तो डेफिनेटली जो लोग इसमें लॉन्ग है वो 4,375 का स्टॉप लॉस बहुत आराम से रख सकते हैं। मुझे मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए। और अगर आप न्यू पोजीशन भी लेना चाहते हो, अगर आप कैश में ट्रेड करना चाहते हो तो भी आपको 4375 रखना है। बट जिनको मोमेंटम के साथ जाना है तो मेरी ये राय होगी कि इस स्टॉक को आप एक बार 4,500 क्रॉस हो जाए, 4,500, उसके बाद आप निवेश कीजिए और आप स्टॉप लॉस रखिए 4,425, तो ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठेगा और इसमें आपको तुरंत करीबन 4,650 से लेके 4,700 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। तो स्टॉक डेफिनेटली इस वीक मार्केट में वॉल्यूम्स अच्छे दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 4,500 के ऊपर मोमेंटम भी आ सकता है। ऑलराइट, ठीक है, ऐसे में आप देखें तो शॉर्ट्स जो कवर हो रहे हैं वहां पर अभी भी आपको मिड कैप आईटी स्पेस परसिस्टेंट हो, एम्फोसिस हो, भले ही TCS लार्ज कैप आईटी में आपको TCS दबाव में दिख रहा हो, उसका रीजन है क्योंकि उसकी रिकॉर्ड डेट खत्म हुई और अब उसके बाद जो तेजी करने वाले थे वहां से वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल परसिस्टेंट, एम्फोसिस, यहाँ अच्छे शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स आपको बजाज ऑटो जैसे भी दिखेंगे, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आएंगे जहाँ आपको लगता है कि शॉर्ट कवरिंग के मौके बनेंगे? इनका सबसे पहले तो इस मार्केट में परसिस्टेंट और LDTS ढूंढना बहुत ही अच्छी बात थी, मैं डेफिनेटली टीम को एक इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। और इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो परसिस्टेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जस्ट जो अभी हम करीबन 3,900 के आसपास चल रहे हैं,
और एक बार हम यहाँ से 1% ऊपर यानी करीबन 3935 के ऊपर निकल जाए, इस स्टॉक में बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो इसमें 3935 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 3875 का, और मुझे लग रहा है ये हमें करीबन 4050 का टारगेट वन, और यहाँ से ये बहुत तेज जाके हमें 4150 तक के लेवल भी दे सकता है। तो परसिस्टेंट इन दोनों स्टॉक्स में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, परसिस्टेंट पसंद आता है यहाँ पर प्रशांत को, थोड़ी सेफ बेट्स होंगी। तो चलिए प्रशांत, अगर ऐसे में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही हो, तो यानी फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं जहाँ हम अपने पोर्टफोलियो को हेज भी कर पाए, आपको क्या लग रहा है यहाँ से कहाँ फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं? GLF, बंधन बैंक, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो सामने आ रहे हैं, आपके कौन से स्टॉक्स को चूज करना चाहेंगे? जी मेरा एक तो मैंने शॉर्ट में जो आपको बताया HDFC लिमिटेड डेफिनेटली वो होगा, और दूसरा जो मुझे लग रहा है तो DLF मुझे वीक लग रहा है, और ये बहुत अहम सपोर्ट तोड़ चुका है। यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, ये अभी करीबन 335 चल रहा है, 340 तक ये रैली कर दे तो आप इसको एक छोटे रिस्क पे 345 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर दीजिए, और टारगेट आप देख सकते हो करीबन 315 का। तो ये इस स्टॉक में मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है, एक छोटी सी 4-5 पॉइंट की रैली आ जाए इसमें एक अच्छा शॉर्ट हो सकता है। ऑलराइट, हम देख रहे हैं लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं एनर्जी स्पेस में, आप कई सारे काउंटर्स को यहाँ देखें जहाँ पर आप एनर्जी पैक और उसमें कई सेलेक्टिव काउंटर्स जहाँ पर आपको लॉन्ग्स अनवाइंड हो रहे हैं, आपको केमिकल स्पेस से लॉन्ग अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेट्रोनेट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं, यानी ट्रेड से एग्जिट करना चाह रहे हैं लोग, ऐसे कुछ स्टॉक्स के आप आइडेंटिफाई कर पाएं जहाँ पर आपको लगता है तो आप प्रॉफिट को स्क्वायर ऑफ कर लें और अपने पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर लें, प्रॉफिट को सिक्योर कर लें? अगर मैं पेट्रोनेट की बात करूं तो डेफिनेटली अभी ये करीबन 207 चल रहा है, जिनके पास भी इसमें पोजीशन हो मेरी ये सलाह होगी आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो 202 का, 200 भी रखने की जरूरत नहीं है, 202 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो। अगर ये अहम लेवल ब्रेक हो जाए तो इस पोजीशन से आपको निकलना होगा, क्योंकि शायद ये बहुत ज्यादा वीक हो सकता है। तो जिनके पास भी इसमें पोजीशन हो आप 202 का स्टॉप लॉस रखिए, और जिनको इसमें शॉर्ट करना हो तो एक बार ये 200 का लेवल तोड़ दे, आप खाली 205 के स्टॉप लॉस से इसको सेल कर दीजिए, ये मोमेंटम ब्रेक होके यानी डाउनसाइड मोमेंटम इस स्टॉक में आ सकता है, और हमें 185-190 के लेवल भी मिल सकते हैं। तो ये बहुत वीक है एक अहम लेवल पे, बस 200 ब्रेक होने की देरी है। प्रशांत, ऐसे माहौल में जब बाजार इतना क्लियर ना हो या फिर जिन सेक्टर्स पे सीधा असर पड़ता हो, चाहे तेजी की साइड हो चाहे मंदी की साइड हो, तो बाजार कुछ ना कुछ डिफेंसिव स्पेस ढूंढने की कोशिश करता है, यहाँ आपको डिफेंसिव कहाँ दिख रहा है, कोई सेक्टर या ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? फिलहाल जो एक ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि सभी सेक्टर वीक हो चुके हैं, कि नॉर्मली ऐसा होता है कि 2-3 सेक्टर वीक होते हैं, या IT, फार्मा या FMCG कोई ना कोई बैलेंस होते हैं, बट अगर आप आज देखो तो सारे ही सेक्टर्स वीक है, बट इसमें एक स्टॉक है जो मेरे रडार पे है और वो होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, करीबन ये 2260-2270 की रेंज में चल रहा है, इसको हम एक 3% स्टॉप लॉस यानी 2200 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं, और इसको हम पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 2400। ये इसके लिए 2200 का जो सपोर्ट है वो बहुत अहम है, और मुझे लग रहा है इस लेवल पे ये बहुत अच्छा वैल्यू बाय होगा, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG स्पेस से मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, कंज्यूमर स्पेस में फिर भी आपको थोड़े से देखिए यहाँ लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ कुछ थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले आउट जरूर दिखाई दे रहा है, चाहे आप कोलपैल को देखें, FMCG कंज्यूमर कोलपैल को देखें, HUL पे कॉल दे रहे हैं प्रशांत, लगभग 2400 का टारगेट, लेकिन स्टॉप लॉस आप 2200 का जरूर यहाँ रखें, क्योंकि इस मार्केट में आपको स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखना होगा, नहीं तो अदरवाइज इट विल टर्न आउट टू इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इट कैन टर्न आउट टू बी अ नेगेटिव पोजीशन। प्रशांत, अब कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल एक अच्छी मूव दिखाई और आज भी इस मोमेंटम को बरकरार रखा हुआ है, इंटरनेट स्टॉक्स, चाहे आप InfoEdge की बात करें, आप इसी के साथ इंडिया मार्ट की बात करें, आज वहां पे भी एक अच्छा रुझान दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको, यहां कुछ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है? जी प्रियंका, इंडिया मार्ट में मुझे एक चीज तो बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि इसका बेस बन चुका है, तो जो भी इसमें इन्वेस्टर होंगे डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और आपको एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 4575 का, 4575, तो ये आपका एक पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। जो भी इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं उनको मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करो, और एक बार एक यहां से खाली करीबन 4800 क्रॉस कर जाए यानी हार्डली 20 पॉइंट यानी 0.5%, तो 4800 के ऊपर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 4725 का, 4725, और आप टारगेट आराम से रख सकते हो 4950 से लेके 5000 का। तो ये स्टॉक एक छोटे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, तो इसमें हम एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से डेफिनेटली पोजीशन ले सकते हैं।
ऑलराइट, ठीक है. सो ये पोजीशन ले जा सकती है, लेकिन आप लेवल्स का ध्यान जरूर रखें. सुशांत, चलिए अगर एक बार के लिए मान लें कि अगर ये ब्रीच आज या कल में हो जाता है, तो उसके बाद क्या पुलबैक की रिकवरी, पुलबैक के चांसेस कितने होंगे, या फिर आपको लगता है कि ब्रीच करने के बाद भी, ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज वन बिग ट्रिगर, लेकिन उसके बाद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि पुलबैक आ जाएगा? सभी दर्शकों को बहुत सिंपलीफाई करने के लिए मैं एक निफ्टी और एक बैंक निफ्टी के लिए दो लेवल्स देना चाहूंगा, जिसके ऊपर आप एक रिलीफ लैरी एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो निफ्टी के लिए वो नंबर होगा 17,080, यानी 17,080, तो हम मोटा मोटी 17,100 पकड़ के चल सकते हैं. इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाए, डेफिनेटली हमें रिलीफ लैरी मिल सकती है 17,400-17,500 तक. तो 17,100 के नंबर पे आप ध्यान रखिए, निफ्टी इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है, बहुत जरूरी है. बैंक निफ्टी की जब मैं बात करता हूँ, तो ये करीबन अभी 37,200 की रेंज में चल रहा है. इसको 37,450, यानी करीबन यहाँ से 1% से नीचे, यानी 37,450 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है. इन दो लेवल्स पे आप ध्यान रखिए, जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो, मेरी ये सलाह होगी आप लॉन्ग्स मत बनाइए. इतना भी आप फॉलो करें, आपके लॉसेस मार्केट में कम हो गए और आप रेडी रहोगे. जैसे कि कहते हैं बी रेडी टू फाइट द नेक्स्ट वॉर, तो आपके पास वेपन्स होगे, यानी कैपिटल इंटैक्ट होगा, तभी आप फाइट कर पाओगे. तो डेफिनेटली इस लेवल पे आप ट्रैक कीजिए 17,100 और 37,450. इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो हमें डेफिनेटली एक रिलीफ रैली मिल सकती है. ठीक है, ऑलराइट. चलिए इसी एंटिसिपेशन में बाजार के पार्टिसिपेंट्स को शायद इन ये सारे अपडेट्स देखने के बाद शायद थोड़ा रिलीफ मिले कि एक पुल रैली के लिए क्या आपको इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स को वॉच आउट करना होगा. शुक्रिया प्रशांत आज शो में बने रहने के लिए और ये सारी ट्रेडिंग टिप्स और क्लैरिटी ऑन डिफरेंट स्टॉक्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. फिलहाल एफएनओ जंक्शन में इतना ही, लेकिन मार्केट्स पर नजर लगातार बनी हुई है. आप बने रहे ईटी नाउ स्वदेश के साथ.